शहर में दिन दहाड़े 1 लाख रुपए चोरी का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्चा SBI के ग्राहक सेवा केंद्र से 1 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल सेंधवा में भीड़ की नजरों के सामने से नोटों की गड्डी लेकर नाबालिग फरार हो गया और सब मुख दर्शक बने देखते रह गए। नाबालिग कियोस्क में घुसा और रेकी करने के बाद बैग से 1 लाख रुपए की गड्डी निकालकर भाग गया। नाबालिग को पैसे लेकर भागते देख एक युवती ने संचालक को सूचित किया, पर जब तक नाबालिग को पकड़ पाते वो भीड़ से ओझल हो गया। नया बस स्टैंड के पास हुई घटना की सूचना संचालक ने पुलिस को दी, जिसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही है। मैं ब्रांच से केस लेके आया 3 लाख रुपए और लाकर मैंने टेबल पे बैग रखा। बैग रखते ही मैंने निकाला और निकालते ही एक छोटा बच्चा था, करीब 10 से 12 13 साल का बच्चा था, 12-15 के समथिंग। वो बच्चा 1 लाख रुपए लेके वह फरार हो गया। उसके पीछे मैं लगा भी पर वो हाथ में नहीं आया। उसके साथ और कोई भी था? CCTV फुटेज देखते हुए तो लग रहा है कि उसके साथ और भी कोई, जो दो लड़के हैं वो भी उनके साथ ही थे, उसके साथ ही थे।